हेलो स्वागत है आपके गुरु चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा जल्दी से फटाफट जाकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या बिहार में फिर से सरकार चेंज होने वाली, क्या आरजेडी और जेडीयू फिर से अलग होने वाले, क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर से अलग होने वाले हैं। दोस्तों मैं एक एक करके आपको एक पॉइंट में बताना चाहूँगा, आप ध्यान से आप पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता दूँ। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि कंटिन्यू जो है, जो अलग आरजेडी के जो तरफ से जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका बयानबाजी अलग हो रहा है। दोस्तों वहीं पे जेडीयू के तरफ से जो है अलग, जो उनके मंत्री हैं या नेता हैं, जो विधायक है, जो एमपी है, उनके तरफ से अलग बयानबाजी हो रहा है। दोस्तों वहीं पे जो है दोस्तों जेडीयू के साथ देने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो वो भी जब अपने पार्टी को एक साथ नीतीश कुमार के पार्टी के साथ एक साथ कर लिए थे, अभी जब दोस्तों एम्स में जब वो भर्ती थे, वहाँ पर बीजेपी के कई नेता वहाँ से उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। दोस्तों इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बुधवार को जो स्टेटमेंट आया था कि हमने नीतीश कुमार, यानी कि उनका जो कहना है कि वो आरजेडी के खिलाफ से चल रहे हैं। दोस्तों यानी कि नीतीश कुमार फिर से जो है बीजेपी के साथ मिल जाए, क्योंकि वो जो है अभी पहले कुछ और कहते थे, अभी कुछ और वो बोल रहे हैं। दोस्तों तो इससे माना यह जा रहा है कि हो सकता है जल्द से जल्द आने वाले समय में जो है नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी में जा सकते हैं। दोस्तों जो समझौता हुआ था, जो चीज़ हुआ था, वो समझौता के खिलाफ दोनों पार्टी चल रही है दोस्तों, और जो है दोस्तों बयानबाजी जो है दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों आपस में जो दोनों पार्टी एक है, फिर भी बयानबाजी कंटिन्यू चल रहा है, और इसे ऐसा लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ जो है खेल अंदर अंदर चल रहा है। कई मुद्दे पे जो है आरजेडी के जो मंत्री हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, कई मुद्दे पे जो है नीतीश कुमार के मंत्री वो बयानबाजी कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी जो है आकर पूरा खेल को ही दोस्तों चौपट कर दिया है। क्या आपको मैं बता दूं, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये अभी नामुमकिन है अभी, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। दोस्तों क्योंकि कंटिन्यू जो है नीतीश कुमार जी कई बार आरजेडी में, एक बार आए थे इससे पहले, फिर बीजेपी में गए थे, फिर आरजेडी में आए हुए हैं। दोस्तों तो कई बार ये चेंज कर चुके हैं पार्टी। वहीं पर सहनी के पार्टी को जो है दोस्तों बीजेपी ने ऐसा बर्बाद किया कि आप पूछो मत। उपेंद्र कुशवाहा जी ये जो है वो भी अपने पार्टी को, जो आरएलडी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी है वो अपने पार्टी को लेकर कुछ बोले, वो सी बात जो हुई तो बोले नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था, ऐसा कोई समझौता ही नहीं हुआ था। अब वो बीजेपी की तरफ से जो है वो अपनी कहानी बोल रहे हैं, मगर हाँ नीतीश कुमार जी के साथ में है, मगर मालूम नहीं आगे वो भी पलटी मार सकते हैं। ये जो है दोस्तों बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। क्या आकांक्षा, आपको क्या माना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या पार्टी एक साथ रहेगी, या फिर जो है दोस्तों फिर से दोस्तों नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं? जो भी है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।